But to be called a person who trades us when we fall sick. Yes, Kanchan. Kanchan. I'm doctor. एक साथ सभी ने बोले मैम डॉक्टर यस डॉक्टर मैम डॉक्टर नाथ पिता कल तक स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर राज डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होगी नंदी ओ सी ओ आर डॉक्टर बी ओ सी ओ आर डॉक्टर है ना ओके सेकंड क्वेश्चन है द पर्सन हु टीचेस अस इन स्कूल व्हाट डू बी कॉल्ड टीचर द स्पेलिंग ऑफ टीचर नहीं बोलेंगे जान में आप चल यस मैम स्पेलिंग ऑफ टीचर टीचर की स्पेलिंग नहीं पता यस बेटा हर्षित यू कैन मैम टी ए सी एच ई आर टीचर वेरी गुड यस कंचन कंचन मैम आप बोलिए ऑन द माइक T-E-A-C-H-E-R, teacher. Yes. Okay. Look at the sentence number C. Janvi, aap bhi dhyan se suna, abhi aapko bhi puchha jayega. The person who catches thieves and robbers. The person who catches thieves and robbers. Kya hoga iska answer? Anushka, tell the class. Ma'am, I told. Ma'am. बेटा मैं जिससे पूछ रही हूँ अनुष्का बेटा मुझसे पूछ रही हूँ आपसे पुलिस पुलिस मैम पी ओ एल आई सी ई पुलिस पी ओ एल P-O-L-I-C-E, police. है ना? सभी लोग कर लेंगे ना? Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. The person who lends our food. The person who lends our food. Problem. Sakshi, चल बेटा, Sakshi. मैम कॉबलर स्पेलिंग ऑफ कॉबलर मैम सी ओ डबल बी ई एल ई आर कॉबलर एल ई आर एल ई आर ओके यस मैम बेटा सुभांगी यू टेल स्पेलिंग ऑफ कॉबलर C-O-B-L-E-R cobbler. Okay, good. Next, look at the next sentence. The person who sells fresh fruits and vegetables. The person who sells fresh fruits and vegetables. Asma, you tell beta. On the mic, Asma. Then green grocer. Yes, very good. Spelling of green grocer. M G R double E N green G R O S E R G R O C E R होता है बेटा Christy you tell मैम Christy green grocer spelling बताइए on the mic Christy मैम G R double E N green G R O S-E-R, grocer. C-E-R, S-E-R, नहीं, C-E-R. जानवी, you tell. मैम, G-R-W. आपको remove किया जाएगा से सुनते.
सभी को बोलना, जिससे पूछा जाए उसको तुरंत बोलना है। अंशु बेटा, अंशु यू टेल, स्पेलिंग ऑफ ब्रशर ऑन द माइक। अंशु, अंशु की आवाज नहीं आ रही है। रमा, रमा यू टेल, रमा का वीडियो पॉज है। ओके प्रियांक बताएंगे, प्रियांक यू टेल, प्रियांक ग्रीन N G R W N G R O O C E R grocer green. Yes, very good. Next up है the person who works in the garden. The person who works in the garden. Ma'am. Ma'am को करेंगे बीच में point बोलेगा। जिसका name लिया जाएगा वही बताएंगे तुरंत। साक्षी बेटा, साक्षी, साक्षी मैम जी, मैम गार्डनर। यस, पहले तो गार्डनर मैम जी, ए एन डी ई एन ई आर। बेटा स्पेलिंग रॉन्ग बता रही है आप। जानवी आप सो रही है क्या? जानवी ओके। अनन्या बेटा, अनन्या N-G-A-R-D-A-N garden। बेटा रॉन्ग बता रही है, गार्डनर की बताना है स्पेलिंग आपको। गार्डनर N-G-A-R-D-E-N-E-R gardener। G-A-R-D-E-N-E-R gardener। ओके अमन यू टेल, अमन गुप्ता। अमन आपसे मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? मैम गार्डनर, स्पेलिंग जी ए आर डी एन ई आर गार्डनर। जी ए आर डी ई एन ई आर गार्डनर। ओके सभी लोग कर लेंगे बेटा इस वर्क को टुडे। यस मैम। अभी करके इसकी फोटो सबमिट करेंगे। ओके यस मैम। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। MBA हो चुका था। हाँ देखिए आपको पिक्चर्स को देखना है। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, ये कौन है बेटा? फायर फाइटर। स्पेलिंग बताएंगे राज सिंह। Tell the spelling of firefighter. Rakhi, you are very slow. Bilal. Ananya, tell the spelling of firefighter. Ma'am, F-I-R-E, fire, F-I-R-I-G-H-T-E-R. फाइटर की स्पेलिंग बताइए, रॉन्ग बताइए थोड़ा सा। एफ आई टी ई आर। नो बेटा रॉन्ग। आत्मा यू टेल, स्पेलिंग ऑफ फाइटर। मैम एफ आई आर ई एफ आई जी एच टी ई आर फायर फाइटर। वेरी गुड। एफ आई आर ई फायर, F I R E फायर एंड फाइटर की स्पेलिंग क्या होगी? F I G H T E R, F I G H T E R। कर लेंगे सभी? Yes ma'am। स्वाति, अमन, पासवान एंड सुमित अपना वीडियो ऑन करिए। भाई कर रहे हैं बेटा, वीडियो ऑफ रहेगा तो हम सेशन से रिमूव कर देंगे आपको। सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए, तुरंत वीडियो ऑन करिए। ओके लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर। अंशु बेटा, अंशु ऑन द माइक एंड अंशु ऑन द वीडियो। अंशु बेटा, अंशु अब तक मेरी आवाज जा रही है ना? बेटा
बेटा वीडियो क्यों ऑफ मैम डी ओ हम को स्टॉप वीडियो को ऑफ कर रखा था अगर मुझे वीडियो ऑफ मिला तो मैं फोन को बुक करूंगी सेशन पे इसलिए सभी का वीडियो ऑन होना चाहिए चलिए अंकु टेल कल ये पिक्चर किसका है बेटे का आपकी पिक्चर डॉक्टर सुमित चलता है स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर सुमित सुमित चलता है स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा जानवी आप कुछ नहीं बोल रही है जानवी यू टेल स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर D-O-C-T-O-R, doctor. हाँ तो ऐसे जब बोला जाए तुरंत बताया करिए यस रौनक सिंह यू टेल स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर D-O-C-T-O-R, doctor. And look at the third picture, which occupation? हम देखते हैं ना कि हमारे आसपास सभी लोग कई सारे वर्क करते हैं जैसे कि कुकिंग कुकिंग में साक्षी कुकिंग में ऑन द माइक बेटा मैम कुकिंग में खाना खाना पकाना भोजन नहीं होता खाना बनाना होता है कुकिंग तो आपने देखा कि हमारे आसपास लोग कई सारे वर्क करते हैं जैसे कि कुकिंग करना हुआ क्लीनिंग क्लीनिंग मीन कंचन क्लीनिंग मीन कंचन ऑन द माइक क्लीनिंग मैम क्लीनिंग मैम साफ सुथरा साफ सफाई करना है ना ये भी लोग वर्क करते हैं घरों में हम भी करते हैं ना घरों की साफ सफाई करते हैं कि नहीं एंड वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धुलना हुआ ये सारे वर्क हम लोग करते हैं बट व्हेन दे वर्क वर्क टू अर्न मनी लेकिन जब हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए जैसे अगर मिल्कमैन मिल्क देने आता है तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं ना आदित्य यादव पैसे मिलते हैं कि नहीं yes. Yes, ऐसे ही न्यूज पेपर बॉय न्यूज पेपर देने आता है तो उसको उसके पैसे मिलते हैं उसके बदले में है ना डॉक्टर इलाज करते हैं तो भी उसके बदले में पैसे लेते हैं है ना yes, ma'am. Yes, ma'am. जब हम ऐसा ही काम करें जिसके बदले में हमको पैसे मिले तो ये क्या होता है वी से दैट दे आर फॉलोइंग एन ऑक्यूपेशन तो वो क्या होता है ऑक्यूपेशन होता है जब उसे होता है जब कोई काम हम पैसे कमाने के लिए करते हैं मनी अर्न करने के लिए तो वो ऑक्यूपेशन होता है समझ आया तुम्हें को यस मैम और प्रोफेशन इज अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग और प्रोफेशन में क्या होता है ट्रेनिंग की जरूरत होती है किसी स्पेशल चीज को सीखने के लिए जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा टीचर बनने के लिए भी ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा है ना तो ये क्या है प्रोफेशन होते हैं ओके प्रोफेशन आने के लिए हमको स्किल डेवलप की जरूरत होती है अपने आप अपना नॉलेज बढ़ाना अपना स्किल बढ़ाना है ना समझ आ रहा है yes, ma'am. अब क्या है नीड फॉर ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन की जरूरत क्यों yes, ma'am. चलिए ऑक्यूपेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कौन बताएगा अनन्या यू कह अनन्या अनन्या ऑन द माइक ऑक्यूपेशन की मैम ऑक्यूपेशन की हमें जरूरत रहती है मैम क्योंकि मैम वो दूध लाते हैं मैम कूड़ा उठाते हैं मैम हमारी गार्डन की सफाई करते हैं ऑक्यूपेशन हमें ऑक्यूपेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है मैं ये पूछ रही हूँ अंकु यस
डोंकी। चलिए हाथ से बताइए बेटा, हाथ से। मैं हमें पैसे की जरूरत होती पर मैं हम वेरी गुड बैट। हाथ से बहुत सही बताया, क्योंकि हमें पैसे चाहिए होते हैं। अगर हमको अपनी डेली लाइफ आसानी से जीना है, अगर हमें खाना खाना है, कपड़े खरीदने हैं, तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए ना। खाना के लिए, अनाज के लिए पैसे चाहिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, है ना। Yes, ma'am. इसलिए आपकी क्वेश्चन करते हैं काम। Yes, ma'am. मनी अर्निंग करने के लिए, है ना। तो हैडिंग इन ऑक्यूपेशन हेल्प अस अर्न मनी। ऑक्यूपेशन हमारी हेल्प करता है पैसे अर्न करने में, मनी अर्न करने में, एंड मीट आवर बेसिक नीड्स। और उस मनी के बदले में हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। पढ़ना हुआ, पढ़ना लिखना, खाना पीना, है ना, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, पैसे देते हैं, है ना, पैसे लगते हैं ना। और अगर पैसे नहीं होंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हम पैसे नहीं होंगे तो हम खाना नहीं पाएंगे, है ना, हर चीजें तो होती है। तो इसलिए ऑक्यूपेशन की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है। हम काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ओके, और बेसिक नीड्स का, आपके बेसिक नीड्स क्या है, फूड, खाना, क्लॉथ, कपड़े पहनना एंड शेल्टर, और घर में रहना, ये हमारी थ्री बेसिक नीड्स है। और इसी बेसिक नीड्स के लिए हम अर्निंग करते हैं, मनी अर्निंग करते हैं। बट हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जैसे कि हमें पैसे मिले, है ना, हम अच्छी लाइफ जी सके, करते कि नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। व्हाट आर योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। अब आपको अपने पेरेंट्स ऑक्यूपेशन राइट करना है यहाँ पर। आप सभी के पेरेंट्स के अलग अलग ऑक्यूपेशन होंगे। जैसे कि किसी के पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं, या किसी के पेरेंट्स, किसी के फादर टीचर हैं, या किसी के फादर ड्राइवर हैं, लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है ना। तो सभी को इस क्वेश्चन के आंसर में अपने फादर का ऑक्यूपेशन राइट करना है, अपने पेरेंट्स का। फादर या मदर दोनों बेटे होते, मदर तो जॉब करती हो या ना करती हो, अगर करती है तो क्या करती है। मैं हमारी मम्मा और पापा करते हैं। ठीक है, ओके साक्षी, टेल साक्षी, आप बताइए व्हाट आर योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। आपको आंसर बोल देना है, माय फादर इज अ फार्मर, या फिर अगर आपके फादर टीचर हैं तो ये माय फादर इज अ टीचर, माय मदर इज अ टीचर। टेल साक्षी, माय फादर इज अ मैन बिजनेसमैन, माय मदर इज अ मैम हाउसवाइफ। ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है। अनुष्का, यू टेल ऑन द माइक। My father is businessman and my mother is housewife. Okay. चलिए हर्षित, यू टेल बेटा, हर्षित on the mic. Ma'am. Yes, ma'am. चल. Ma'am, true होगा. बेटा मैं ट्रू नहीं पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, लेट अस फाइंड, देखिए आप व्हाट आर योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन क्या है, आपको ये बताना है। मैं आपके फादर क्या है, टीचर है, डॉक्टर है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, क्या है। बिजनेसमैन। Yes, my father is a businessman and my mother. Mother क्या है आपकी? Housewife है ना, या फिर teacher है, या कुछ, या housewife है। Yes, ma'am. So tell my father. May I tell? My father is a businessman and my mother is a housewife. बोलो ऐसे। हंसे। My father is teacher and my mother is housewife. Other teacher है आपके? No, ma'am. हाँ, businessman, okay. आप ना बेटा? मैं my father
is a army officer. My mother is a teacher. Very good. चलिए आपके पेरेंट दोनों लोग जॉब करते हैं, अच्छी बात है. शिवांगी, शिवांगी यू टेल ऑन द माइक. बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही शिवांगी. हाँ टेल. माय फादर इज अ बिजनेसमैन एंड my father is a businessman and my mother is a housewife. Okay, ठीक है. Anshu, Anshu you on the mic. Anshu. My father is a businessman. My mother is a. Okay. Rama, Rama on the mic. Rama. रमा मैं आपसे बोल रही हूँ बेटा, माइक ऑन करिए. बेटा स्टोरी नहीं सुनना है, आंसर देना है. साक्षी, साक्षी बेटा तुरंत माइक ऑन किया गया. जब पूछा जाए तुरंत माइक ऑन करना चाहिए आप लोग को, जब पूछा जाए तुरंत. रौनक बेटा, रौनक टेल ऑन द माइक. रौनक माय मदर इज अ बिजनेसमैन. माय फादर इज अ योर माय फादर इज अ हां टेल कुकिंग. माय मदर इज अ माय फादर इज Christy, you tell. Christy, on the mic, Christy. Christy, I'm asking to you, beta, jaldi kya kare? Mam, kya keh rahi hai? अब सुनती तो हो नहीं, तो पूछोगी मैम क्या कह रही है. इतनी देर से पूछ रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ. I'm asking what are your parents' occupation. सही बच्चे बता रहे हैं, सुनती भी नहीं हो. चल मैम, I'm tell. चल बेटा. मैम, my father is a businessman and my mother is a housewife. Okay. अनन्या ने बोला है क्या? ओके गुड, चलिए ठीक है. सभी लोग कर लेंगे ना मैम. माय मदर. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन इन द पर्सन लाइफ. अभी हमने तुरंत पढ़ा, किसी के लाइफ में ऑक्यूपेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है ऑक्यूपेशन का. यस चल हर्षित. हाँ हर्षित बोलो बेटा. मैम क्योंकि मैं हमारे पास मैम घर नहीं होगा, मैं ऑक्यूपेशन नहीं होगा तो. ऑक्यूपेशन नहीं होगा तो हमारे पास घर नहीं होंगे, खाने के लिए वो फूड नहीं होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, है ना. तो आगे There is the importance of an occupation in a person's life to earn the money and to fulfill the basic need of life. Basic need of life में क्या राइट करेंगे? Food, shelter and food, cloth and shelter. कर लेंगे? Once again, फिर से आप ध्यान से सुनने, क्या राइट करना रहेगा? The importance of an occupation in a person's life to earn money, to fulfill the basic need of life, food, cloth, and shelter. Kar lenge sabhi?
चलिए बताइए मैम। यस मैम। सर से चार्ज तो सही जैसे मैंने बोला है अभी। चलिए मैंने अभी आंसर बताया और आज भी आप उनको दे देता हूँ। This is called the importance of an occupation in a person's life. To earn money to fulfill the basic needs of life. Food, clothes, and shelter. Atma, you tell. Atma? अपना चल बेटा आवाज नहीं जा रही मेरी। बेटा अनुष्का आप बताइए। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन इन अ पर्सन्स लाइफ। ऐसे बोल दीजिए ना द इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशन इन अ पर्सन्स लाइफ। फिर एक लाइन को पूरा बोलेंगे उसके बाद आपको राइट करना है टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। एक लाइन आपको इसका जोड़ना है। क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे बस आपको वन लाइन इसका जोड़ना है। वो लाइन क्या है? टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। कर लेंगे अभी। चलिए ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट होम। ट्रू है या फॉल्स? अमन अमन गुप्ता यू टेल। वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क एट होम। फॉल्स होगा। हर्षित आप रॉन्ग बता रहे बेटा। वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एट होम। सेंटेंस के चैप्टर के स्टार्टिंग में था साक्षी। प्रू होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो हर दिन हम कई सारे वर्क करते हैं घर पे। करते कि नहीं? कुकिंग क्लीनिंग स्वीपिंग है ना, वॉशिंग मॉपिंग कई सारे वर्क करते हैं। तो ये आपका ट्रू होगा। ओके नेक्स्ट वी डोंट अर्न मनी फ्रॉम एन ऑक्यूपेशन। वी डोंट अर्न मनी फ्रॉम एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से हम पैसे नहीं कमाते। ट्रू हो गया फॉल्स? फॉल्स क्योंकि ऑक्यूपेशन करके आप मनी अर्न करते हैं ना। तो यहाँ पे हमें फॉल्स राइट करना है क्योंकि ये सेंटेंस बता रहा है वी डोंट अर्न मनी फ्रॉम एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से पैसे नहीं कमाते तो ये रॉन्ग होगा है ना। कर लेंगे बेटा ध्यान से सभी। अंशु व्हाट आर यू डूइंग? अंशु सभी दिख रहे हैं मुझे मत कुछ मैम नहीं देख रही है मैं। सभी सेंटेंस को ध्यान से रीड करेंगे उसके बाद आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके वी कैन बाय थिंग्स विद मनी। वी कैन बाय थिंग्स विद मनी। थैंक यू। हम चीजों को खरीद सकते हैं क्या मनी से? थैंक यू। थैंक यू यस कैसे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं ना। ओके All occupations are not profession. सारे occupation जो profession नहीं होते। ये भी true होगा, okay? Yes, ma'am. तो सभी से कर लेंगे बेटा? Yes, ma'am. So it's your work for tomorrow. ये कल करना है। आज का वक्त आपको ये वाला करना है दिस वर्क क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है।
दिस वर्क यू हैव टू डू टुडे. जंप स्टार्ट वाला याद करना. ओके मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आगे वाला होमवर्क हो चुका है. हो चुका है, जिसने भी नहीं किया है वो फिर से करेंगे और लर्निंग वर्क भी करेंगे. ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? यस मैम. एंड यस मैम, फाइव के जो क्वेश्चन है इसको कल करना रहेगा, ठीक है? कर लेंगे ना. ओके बेटा, किसी को कुछ पूछना है? हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम. सभी को पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी ना? यस मैम. ओके यस मैम. क्वेश्चन में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे. पहले इसको आपको इसका वीडियो बनाकर आप लोग को दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन का. उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम. पेन निकलते बेटा. बाय एवरीवन. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय. बाय एंड एंजॉय स्टडी. टेक केयर.